मैदान में आया हार्दिक पांड्या का तूफान। हार्दिक पांड्या के तूफान के आगे गेंदबाज थरथर कांपने लगे। हार्दिक पांड्या ने कर दी मैदान में चौके छक्कों की बारिश। दोस्तों बल्ले से आग उगलना स्टार्ट कर दिया था हार्दिक पांड्या ने। तो अगर आप भी हार्दिक पांड्या के उस तूफानी बल्लेबाजी को देखना चाहते हो और आप भी हार्दिक पांड्या के जबरा फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आप क्रिकेट की खबर सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना भी बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही भयानक मुकाबला खेला गया, जहां पर बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। भारतीय टीम की ओर से सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए आए थे शिखर धवन के साथ रोहित शर्मा। दोस्तों भारतीय टीम ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, मगर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ क्योंकि रोहित शर्मा का विकेट मात्र एक रन पे ही गिर गया। रुबेल एस्विन ने इनको आउट कर दिया। और दोस्तों जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए उसके बाद ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगी। उसके बाद दोस्तों हालांकि शिखर धवन ने 67 बॉलों का सामना करते हुए 7 चौके की मदद से 60 रन की पारी खेली, मगर अपनी पारी को ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाए और आउट होने के बाद पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा शिखर धवन को। हालांकि उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भयंकर पारी खेली, मात्र 77 गेंदों का सामना करते हुए एक गगनचुम्बी छक्का लगाया, तो वहीं 8 चौके की मदद से 94 रन की पारी खेली, मगर इनके पैर में चोट आ गई और रिटायर्ड हर्ट होने के बाद वापस लौट गई। फिर उसके बाद मैदान में तूफान आया हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने उस वक्त पारी को आके संभाला और रन को इतना लंबा खींच दिया जिसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे वो धरे के धरे रह गए। स्कोर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो कोई सामने पहाड़ खड़ा हो। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने आते ही गेंदबाजों की खबर लेना स्टार्ट कर दिया, चौके छक्के की बारिश स्टार्ट कर दी। हार्दिक पांड्या ने मात्र 54 गेंदों का सामना करते हुए 4 बॉलों में 4 गगनचुम्बी छक्के लगाए, तो वहीं 6 चौके की मदद से 80 रन की नाबाद और विस्फोटक पारी खेल डाली, तो वहीं इनका साथ दिया रविंद्र जडेजा ने 32 रन की पारी खेली। और इस तरीके से देखते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाने के बाद 324 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया बांग्लादेश जैसी टीम के सामने, जहां पर दोस्तों बांग्लादेश की टीम इस स्कोर का पीछा बिल्कुल भी नहीं कर पाई और भारतीय गेंदबाजों ने धज्जियां उड़ा के रख दी बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज की, मिड ऑर्डर बल्लेबाज की, सभी की धज्जियां उड़ा कर रख दी भारतीय टीम के गेंदबाजों ने। और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बांग्लादेश के सभी बल्लेबाजों को 84 रन पे ही समेट दिया, ऑल आउट कर दिया 84 रन पे। और इस तरीके से देखते हुए सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली भारतीय टीम ने 240 रन से। तो दोस्तों आप हार्दिक पांड्या की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीबी न्यूज़ 24।